सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? क्या सभी को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर है? जल्दी बताना फास्ट, क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर है? ओके ग्रेट। सो आप सभी सोच रहे हैं ना कि आज का सेशन तो विकी मोर सर का था, तो मैं बताना चाहूंगा कुछ प्रॉब्लम की वजह से सर सेशन नहीं दे पाए। ठीक है, सो आज के सेशन को मैं ही होस्ट करूंगा। ठीक है जी, ओके ग्रेट, अच्छे से क्लियर है। एक बार इतना और बता दे, कहाँ कहाँ से ऑडियंस मेरे को सुन पा रही है? और अभी ऐसे नहीं, जस्ट 2 मिनट वेट करना। आपने चैट को एवरीवन करना है, ठीक है? ऊपर से एवरीवन सेलेक्ट करना है, फिर बताना। आपने डायरेक्ट मैसेज मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, एवरीवन में बताएं, एवरीवन में। क्या बात है, किस किस सिटी से आज ऑडियंस कनेक्टेड है फास्ट? क्या बात है, ओके। ओके ग्रेट ग्रेट। सो आज के सेशन के अंदर बहुत एक्साइटेड ऑडियंस है, क्या बात है। सभी का मोस्ट वेलकम आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट सेशन होएगा। आपने ये देखा यार, इस बिजनेस के अंदर पैसा है ना, बहुत पैसा है, बट ये आएगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट अपना वर्क है क्या? सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको जबरदस्त तरीके से। सो ध्यान रखना, अच्छे जगह पे बैठ के अपने सेशन को अटेंड करना। ध्यान रखना कि आप अच्छे से आने वाली 30 से 35 मिनट एक ऐसी जगह पे बैठ के सेशन अटेंड करना जहां से कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आर यू रेडी? क्या बात है, ओके। सो बहुत सारी ऑडियंस जो मेरे बारे में नहीं जानती, उनको बताना चाहूंगा। मेरा नाम अमन गिल है। बेसिकली मैं इंडिया के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नेहला गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब ये नेहला गांव आपने पता ही है, जहाँ बहुत ज्यादा सीमेंट है। विक्की मोर सर की बात करूँ, विपिन सर की, सुमनेर सर की, सिद्धू मैम की, बलराज सर की, ये सभी एक ही गांव से हैं। सोच के देखें, राइट? उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज से लगभग 3 साल पहले मैं इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन कैसे लिया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपने जबरदस्त तरीके से सेशन आज लिसन नहीं करना, साथ साथ अंडरस्टैंड करना, राइट? यदि मैं आज अपने आप को 3 साल पीछे लेके जाऊं और अपने आप को मैं आपकी जगह पे रख के बताऊं, तो मैं एक स्टूडेंट था और मास्टर डिग्री में कर रहा था एमएससी मैथमेटिक्स से। तो स्टडी करते करते अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाई नहीं था, सच बताता हूँ। और कोइंसिडेंट मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला था। अच्छा, कितनी ऐसी ऑडियंस है जिनको बाई चांस इस प्लेटफॉर्म पे आए? बाई चांस उन्होंने सोचा नहीं, सोचा कुछ होगा, मिला कुछ। ऐसे कितने शख्स है बताना? क्या बात है, ओके ग्रेट। मैक्सिमम यहाँ पे मैं 95% में ऑडियंस की बात करूं, वो इंसिडेंट ही इस प्लेटफॉर्म पे है ना। आपने सोचा कुछ होगा, मिला कुछ। तो वैसे मास्टर डिग्री स्टूडेंट था, तो जो मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर मनदीप सर, उन्होंने इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया। और मेरी लाइफ का वो पहला दिन था जब मेरे से सपने पूछे गए थे कि आपके सपने क्या, और मैं सोच के ना हैरान था, क्योंकि सपने या तो बचपन में होते थे, और बचपन से आज एक मास्टर डिग्री करते करते सारे सपने मर चुके थे, है ना। मैं आज एक छोटे से बच्चे पूछ लो ना, चाहे कहीं भी पूछ ले, बस स्टैंड पे पूछ ले, रेलवे स्टेशन पे पूछ ले, कहीं पूछ ले, एक छोटे से बच्चे से वो बता देगा मेरे सपने क्या है। बट मैं आज अनम्यूट करके यंगस्टर से पूछ लो ना, आपके सपने क्या है, तो बता नहीं पाएगा। रीजन क्या है, एक छोटे बच्चे से पूछ के देखना भाई क्या बनना। यदि उसने नवी नवी मूवी देख रखी हो ना सिंगम की, वो बोल देगा मैं तो डीएसपी बनूंगा, एसपी बनूंगा। बोल दे, नहीं बोल देगा? बोल देते हैं, रियलिटी की नहीं है। बट बड़ा होके क्यों नहीं बोलता? रीजन क्या, उसको पता लगता भाई बाहर मार्केट के हालात क्या है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर अच्छे तरीके से? ओके ग्रेट, ओके। आज क्यों नहीं, क्योंकि अपने मार्केट के हालात पता लग जाते। मेरे को एक बात याद आ गई, जिस टाइम स्ट्रगल टाइम चल रहा था, और हरियाणा के अंदर ना सबसे पहले जॉब निकली थी, डी ग्रुप के 18,000 जॉब निकली थी, राइट? सो मेरे भी कुछ फ्रेंड वहाँ पे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। हुआ क्या, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ना बहुत नेगेटिव हो रखे जॉब को लेके। मैं क्या हुआ, और जब मैंने उस स्टेटस देखा, वो स्टेटस आज भी याद है, मैंने एक बात लगा रखी थी, दिल के आर्मा आंसुओं में बह गई, हम तो डी ग्रुप में भी लगने से रह गए।
और इतने अपने आप को नेगलेक्ट माने लगे कि यार पहली बार 18,000 जॉब आई थी उनमें ही नहीं लग पाई, तो अब लगेंगे कैसे। और एक टाइप से देखा जाए तो बात तो उनकी भी सही थी कि कंडीशन कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा कंपटीशन है, 18,000 में से भी नंबर नहीं आया तो दोबारा तो कोई चांस का कोई नाम निशान था ही नहीं, रियलिटी की नहीं है। तो मैंने एक चीज देखी कि सीनियर ने एक क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे को एक चीज बताना, जितनी भी ऑडियंस आज स्टडी कर रही है, जितनी भी ऑडियंस अपने बीच है जो स्टडी कर रही है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, तो एक चीज बताना, जिस डिग्री पीछे आप पागल हैं, जिस डिग्री को आप करने लग रहे हैं, उस डिग्री को पाके लोग कहाँ तक पहुंचे? क्या वो अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाई है? मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या वो अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाई है? क्या वो ड्रीम लाइफ तक पहुंच चुके हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं? क्या आप पहले इंसान है जो डिग्री कर रहे हैं? क्या आपसे पहले किसी ने डिग्री नहीं की? वो तो सेम क्वेश्चन मेरे सामने था, मैंने देखा एमएससी छोड़ो पीएचडी करने के बाद भी 10,000 की जॉब के लिए बाहर धक्के खा रहे हैं, रियलिटी की नहीं है। बट मैं ये नहीं बोलता कि स्टडी करना गलत बात है, हर इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, बट एज ए करियर मैं नहीं मानता। मेरे को आज दुख इस बात का कि मैंने एक फील्ड को 18 साल दिए, हर मंथ पैसे दिए, 15-20 लाख रुपए दिए, स्ट्रगल किया, सैक्रिफाइस किया, एट द एंड मिला क्या? उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, राइट। बट जैसे मेरे को ये कंसेप्ट मिला, सच बता दूं पहले दिन मेरे को बिलीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोच किससे बनती है? आसपास की इन्वायरमेंट से। और आसपास का इन्वायरमेंट था क्या? अपने पता ही है कि 10-20 हज़ार की जॉब, और यदि कोई इंसान बोल दे भाई 1 लाख रुपए कमा सकता है, हाँ, आप पहला दिन होता किसी इंसान को बोल देना आप 10,000 रुपये कमा, और खुद भी कॉन्फिडेंस आता, हाँ यार मैं 10 के लायक हूँ। मैं बोल दूँ जी 20,000 कमा सकते हैं, चलेगा? बता दिया 30,000 चल सकता, कोई इश्यू नहीं है, बहुत कमाते हैं। 50,000 थोड़ा थोड़ा डाउट है। यदि मैं 1 लाख बोल दूँ ना, अपने आप को नेगलेक्ट मानने लग जाएगी, मैं 1 लाख रुपए, नहीं, गलत है, रियलिटी की नहीं है। तो जब मैंने ये सिस्टम देखा, बिलीव नहीं हुआ, बट 4 से 5 दिन क्लास लगाने बाद इतना तो पता लग गया था कि बिजनेस जेन्युइन है, 164 देश में चल रहा है, राइट। तो अपने आपको बेस्ट प्रूव करना, और तब से है जब से अपना जन्म भी नहीं हुआ, विश्वास किया, डाउट में रह के तो जिंदगी चेंज नहीं हो सकती थी, विश्वास करके कुछ भी कुछ बहुत कुछ हो सकता था। तो विश्वास करके आगे बढ़ना स्टार्ट किया, 1 साल के बाद मेरी इनकम 1 लाख को टच कर चुकी थी, और बड़ा अच्छा मोमेंट रहा मेरे लिए। 2 साल के बाद मैंने इसे क्रेटा टॉप मॉडल गाड़ी इंजॉय की, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल टूर को क्वालिफाई किया, मैक्सिको जाने का भी मौका मिलेगा अक्टूबर के अंदर, मैं जाऊंगा, और इसी मंथ एक डोमेस्टिक टूर भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा, वो सरप्राइज होता कभी भी। इतना कुछ मैंने अचीव किया 3 साल के अंदर, टॉप 10 के अंदर मैंने बिजनेस को एक्सटेंड किया, सबसे ज्यादा बिजनेस एक्सटेंड किया फॉरेन में। कहने का मेरा मीनिंग, 3 साल में मैं अपनी लाइफ को टोटली 360 पे कन्वर्ट कर चुका हूँ। बट हुआ कैसे, ये कैसे पॉसिबल हुआ, सब कुछ मैं आ जाऊंगा कुछ सेशन के अंदर बताऊंगा। सो रेडी हैं आप? क्या आप रेडी हैं? ओके ग्रेट। सो आप सभी के सामने एक स्लाइड आ रखी है ना, जस्ट वेट करें। आप सभी के सामने एक स्लाइड आ रखी है, अच्छे से क्लियर है सभी को? जल्दी बताना फास्ट, क्या आप सभी को स्लाइड अच्छे से क्लियर है? ओके ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, ओके ओके। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे देख ही रहा होगा, डू यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, क्या वास्तव में अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो? और ये क्वेश्चन मैं इस दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लूँ, हर इंसान यही सोचेगा यार मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, यस और नो? सोचेगा नहीं सोचेगा? बट 90% को तो यही नहीं पता सक्सेस होने के लिए करना क्या पड़ेगा। जस्ट 2 मिनट वेट करना, जस्ट 2 मिनट। ओके ग्रेट, शायद अब भी आपको अच्छे से क्लियर होगी ना, मैं अपनी स्लाइडों क्लियर कर लेता हूँ। और इतना बता दो, जितने भी सक्सेस सेशन के अंदर बैठे हैं, यदि विदाउट डायरी पेन बैठे, इट मीन्स अपने टाइम को वेस्ट ही करोगे, तो अभी से अपनी डायरी पेन ले लें और अच्छे से अपने अटेंड करना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होगा इसी नॉलेज के बिहाफ पे होगा, ध्यान रखना आपने, ठीक है? जो अच्छे से सेशन अटेंड करेगा, और इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके सो सेशन को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, क्या वास्तव में आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो। ये क्वेश्चन इस दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लूं, हर इंसान का एक ही आंसर मिलेगा, यस सर डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, यस सर नो। बट सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है, 99% लोग तो यही नहीं पता सक्सेस होने के लिए करना क्या पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, आप बचपन में पूछते अपने टीचर से पूछते ना, पेरेंट्स से पूछते, सर हमें कहाँ में बढ़ा क्या करें, एक ही बात बोलते बेटा मेहनत कर, मेहनत करो कामयाब हो जाओगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, क्या अकेले मेहनत करने से कामयाबी मिल सकती है क्या? यदि अकेली मेहनत करने से, हार्डवर्क करने से, खून पसीना करने से सक्सेस मिलती तो इस दुनिया में एक ऑटो चालक या मजदूर इंसान सबसे रिच मिलता नहीं मिलता। तो बताना चाहूंगा सक्सेस होने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो आज की सेशन के अंदर आपको बताना चाहूंगा। इफ यू हैव ए ड्रीम वी हैव ए प्लान, यदि आपके सपने हैं तो ही इस प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब हो पाओगे। क्लियर है, यदि आपके सपने हैं तो ही आप इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो पाओगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं। ये देखिए आप सोच रहे यार मेरे तो 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, मेरे घर पे खर्चा चल जाए तो मेरे लिए काफी है, सफिशियंट है। तो बताना चाहूंगा उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, जो रियलिटी में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और सपनों की पावर, सपने की पावर से दुनिया के अंदर बदलाव आए हैं। चांद पे जाना आसान था क्या? सपना ही तो था, चेंज कर दिया नहीं कर दिया। फेसबुक चलाना एक सपना ही तो था, क्या दुनिया अंदर बदलाव लेके ही नहीं आया? तो देखो वैसे इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक तो अपने सपनों से दुनिया बदल देते हैं, ठीक है, दूसरे दुनिया के डर से अपने सपने ही बदल लेते हैं, डिपेंड करता है किन में से है, राइट। यदि जिसका सपने है तो उनका मोस्ट वेलकम एक ऐसे कंसेप्ट के अंदर जो हजारों लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी को चेंज कर चुके हैं। सो आप सभी का वेलकम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंसेप्ट के अंदर, राइट। अब मैं ये कंसेप्ट की पावर बताऊंगा, ये कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कब से स्टार्ट था, कितने देशों में चल रहा है, पूरे ध्यान सुनना, राइट। और जिनको इस चीज की पावर पता लगी, इसकी अच्छे से नॉलेज पता लगी, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता लग गया, तो मैं लिख के देता हूँ, कल को कोई भी थर्ड पर्सन आकर उसको कुछ भी नहीं बोल सकता। वरना बहुत सारे लोग, क्योंकि आप इंडिया जैसे देश के अंदर रहने लग रहे हैं, यहाँ पे सलाहकार कर कलाकार की कमी नहीं है, जड़ा खड़ा सलाह देते ही मिल जाएगा, हाँ मैंने की है, पता है, मैंने दुनिया घूमी है, पासपोर्ट उनको पता नहीं है ना। कलाकार घर घर के अंदर पैदा हो रखे हैं, रियलिटी की नहीं है। तो ध्यान रखें, ऐसे से बच के रहना था, आप नॉलेज ले रहे, आप तो अनपढ़ इंसान बेवकूफ नहीं हो सकता, आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, सोच के देखो एंड्रॉइड फोन एक मिनट के अंदर पता लग जाता भाई क्या सही क्या गलत है, मानते नहीं मानते। सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस तब से है, शायद अपना जन्म भी नहीं हुआ था, 13 मई 1978 से, इससे पहले जो एक जो ब्रांड है उनके मैं बात करूं, एप्पल, जो 1977 के अंदर स्टार्ट हुआ था। बट मैं बताना चाहूंगा एप्पल भी आज ना सिर्फ 25 घंटे के अंदर रन अप है, सिर्फ 25 देश के अंदर चल रहा है, और ये बिजनेस 164 प्लस कंट्री के अंदर, सोच के देखो आप वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के अंदर एंड बीहाइव के अंदर। बोला जाता है मधुमक्खी के छत्ते में एंड एलोवेरा के पत्ते में फोर आर की टक्कर कोई दूसरा है ही नहीं, राइट। वर्टिकली इंडिकेटेड कंपनी है, टर्नओवर की बात करूं मैं 23,000 प्लस करोड़ की टर्नओवर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कई कई ना एक मिथ बना होता है, एक बैम पा लेते दिमाग के अंदर कि मैं ज्वाइन करूंगा तो तेरा क्या फायदा है ना, कई सोचते ना कि मैं ज्वाइन करूँ तेरा क्या फायदा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो 23,000 प्लस करोड़ की टर्नओवर क्रिएट हुई है, आप नहीं थे इस इंडस्ट्री में तब भी हुई है और आप होंगे तो भी होगी, नहीं थे क्या किसी को पैसा आया? यदि आप पार्ट बनेंगे तो पैसा आएगा नहीं आएगा बता दो, आज से 3 साल पीछे मैं लेके जाऊँ अपने आप को, मेरे घर पे पैसा तक नहीं आया, बट आज इस प्लेटफॉर्म की पावर से मेरे घर पे 3 से लेके 4 लाख के बीच पैसे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं, मेरी खुद की रियल सिस्टर सित्तू मैम आज के दिन मैनेजरी सिस्टम के अंदर, सोच के देखें, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। बताना चाहूंगा जितने भी एजुकेटेड पर्सन, सभी के सभी जितने पर्सन यहाँ बैठे हैं, डेयरी पैनिक के साथ बैठे हैं, तो आपने एक चीज जरूर नोट करनी है, एक चीज सर्च करें कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी होने जा रही है। एक चीज सर्च करनी है, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री सर्च करोगे तो आपको एक चीज पता लगेगा, वेलनेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करेगी ना आने वाले टाइम पे, वो वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, राइट। एंड बेनिफिट किसको होगा? अवेयरनेस की मैं बात बोलूँ, कितनी तेजी से अवेयरनेस फैलने लग रही है इस इंडस्ट्री की, मैं बता दूँ रीजन पता क्या है, सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रोथ होने के रीजन बताऊँ। देखो आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, इस की टर्नओवर की बात करूँ,
डे बाय डे ये टर्नओवर बढ़ती आने लग रही है, डे बाय डे टर्नओवर बढ़ती आने लग रही है। रीजन क्या है कि अवेयरनेस फैलने लगी। अवेयरनेस क्यों फैलने, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। आज गवर्नमेंट खुद इस चीज को ना प्रमोट करना स्टार्ट कर चुकी है, पहले क्यों नहीं थी। आपने सुना होगा इंडिया बहुत पीछे है फॉरेन कंट्री से, बहुत पीछे। रीजन क्या इसके पीछे, अपडेशन पसंद नहीं, बदलाव चेंज पसंद नहीं है। सोच के देखें आप, रीजन बताते हैं इसका रीजन क्या है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक बूम पीरियड आते आते ना कुछ फेज आते हैं। सबसे पहले एक नेगेटिव फेज। मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पूरे ध्यान से अपने आंसर करना। एक चीज बताना, आपने एक बात सुनी होगी ना, आपके दादा है आपके नाना जी हैं, उनसे क्वेश्चन पूछना। जब फिल्म इंडस्ट्री नवी नवी थी तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक चीज बताना। जब फिल्म इंडस्ट्री नवी नवी आई थी है ना, एक आंसर करना आप सभी, आपके नाना जी भी होंगे, आपके दादा जी भी, आपकी दादी जी भी, उनसे क्वेश्चन पूछना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, एक चीज बताना, उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना आसान था या मुश्किल था? हाँ जी, आसान था या मुश्किल था? आसान, कुछ कह रहे मुश्किल, कुछ कह रहे आसान। अरे आसान था, उस टाइम कोई भी कंपटीशन था ही नहीं, हर कोई इंसान उसके अंदर अपना करियर बना सकता था, बहुत इजी होता था उस टाइम। उस इंडस्ट्री में कोई भी कंपटीशन नहीं था, बट उसके बाद पहले कौन सा था, नेगेटिव। क्योंकि उस टाइम पूछ के देखना, ये चीज ना रिस्पेक्टेबल नहीं मानते थे, इज्जत वाला काम नहीं मानते, इसको बोलते वैसे नौटंकी करते घूमने लग रहे, राइट। उसके बाद कौन सा पीरियड आया, पॉजिटिव, यानी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, पॉजिटिव अवेयरनेस फैलनी स्टार्ट होगी। उसके बाद ग्रोथ पीरियड, आज पता कौन सा रखा है, कंपटीशन। मर्जी जितना टैलेंट हो इंसान के अंदर, जब तक पैसे नहीं हो टैलेंट जीरो है। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, रानो मंडल, सुना सभी ने, सुना क्या, जानते भी होंगे। मेरे को लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता रानो मंडल के बारे में। क्या करती थी वो, एक प्लेटफॉर्म पे भिखारिया काम करती, हालांकि टैलेंट था, टैलेंट की कमी थी क्या बता दो, टैलेंट की कोई भी कमी नहीं थी, बट क्या नहीं था, पैसे नहीं थे। जैसे एक एक्ट्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, आज बच्चा बच्चा रानो मंडल के बारे में जानता है, जानता नहीं जानता। यस, तो वैसे इस इंडस्ट्री में बात करूं, आने वाला टाइम एक ग्रोथ पीरियड का टाइम है। अब जड़ा खड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ पाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। आज तो क्या है, चाहे कोई कम एजुकेटेड है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, कोई कुछ भी नहीं पूछा जाता, बस एक ही चीज पूछी जाती है कि आपके सपने हैं तो मोस्ट वेलकम है, रियलिटी की नहीं है। बट आने वाला टाइम ऐसा नहीं है, चेंज, राइट। और सबसे बड़ी मेजर फिलोसफी पता क्या है, हर कोई यहाँ पे एज ए कस्टमर यहाँ पे ज्वाइन करेगा, एज ए नोवस कस्टमर, सोच के देखें, एज ए नोवस कस्टमर ही ज्वाइन करेगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राइट। किसी साथ कोई भेदभाव नहीं है, पूरे ध्यान सुनना। इस बिजनेस की जो बैकबोन वो क्या है, इस बिजनेस की जो करेंसी वो सीसी है कैसे, पूरे ध्यान समझना। सबसे पहली चीज, आज ये बिजनेस अलग अलग देश के अंदर रनअप कर रहा है, तो ये बिजनेस किसी एक देश की करेंसी के अंदर मेजरमेंट नहीं किया जाता, अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी है, इन सभी करेंसी में मिला के एक कर दिया कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट को शॉर्ट टर्म में पास सीसी बोल सकते, राइट। पर ध्यान समझना, सीसी बनता कैसे, सीसी बनता प्रोडक्ट के पॉइंट से, जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता, पर ध्यान से आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे एलोवेरा जेल है, मेरे को इंडिया के अंदर लेना, राइट, तो इसकी जो पैसे के अंदर मैंने इसके पे करना पड़ेगा, किसी के अंदर पैसे के अंदर, राइट। यही एलोवेरा जेल मेरे को यूएसए में लेना पड़े तो किस में पे करना पड़ेगा, डॉलर में। बट इस चीज का ध्यान रखने, पॉइंट हर जगह क्या मिलेंगे, सेम। 1 सीसी में 1000 पॉइंट, 2 सीसी में 2000 पॉइंट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई इंसान है ना, एक बार प्रोडक्ट देख के मेरे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट दिखा रहे भाई, इसके अंदर बेचने का काम तो नहीं है, कई बार दिमाग के अंदर आता है ना। तो मैं सीनियर मेरे को एक बात बोली थी, वही बात मैं आपको बोलता हूँ, सभी 18+ के हैं, क्या आपके घर पे सिंगल पर्सन भी आज तक हो रहा है ये प्रोडक्ट लेके आया क्या? और बेचने से भी कोई इंसान अमीर बनता तो आपके घर के बाहर जो सब्जी बेचने वाले आते हैं ना, ये BMW ऑडी जगवार के अंदर आते, रियलिटी की नहीं है। यहाँ पे अपने सेल्समैन नहीं बनना, एक बिजनेसमैन बनना है। कैसे, वो पावर ही बताऊंगा अपने, कैसे कैसे बिजनेस को आप एक्सटेंड कर सकते, किस तरीके से काम करना, पूरे ध्यान से आपने समझना है।
सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जो क्राइटेरिया है ना, सबसे पहले आपकी एज 18 प्लस होना कंपलसरी है। यदि आपकी एज 18 प्लस नहीं है तो सॉरी टू से ब्रदर, आप इसको जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते। राइट, आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी जो 168 प्लस कंट्री के अंदर रजिस्टर होगी। राइट, 2CC। आफ्टर 2CC आप बिजनेस मोड के अंदर, आप किसी भी देश के अंदर अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ पावर ऑफ डुप्लीकेशन है क्या, पूरा ध्यान समझना, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है किस चीज का, फाइनेंशियल फ्री होने का। राइट, पूरा ध्यान समझना, एक बात बता दो सबसे पहले। अच्छा, कितनी ऐसी ऑडियंस है जो अमीरी और गरीबी का रीजन पैसा मानती है कि सर पैसे पैसे के रीजन से हम गरीब हैं? हाँ जी, कितने ऐसे हैं जो रीजन मानते हैं भाई पैसा रीजन है गरीबी का? बहुत सारे ऑडियंस ऐसे मानती है जैसे सर पैसा ही रीजन है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पैसा रीजन नहीं है। हाँ, मान तो पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, बट एक चीज सबसे बड़ी चीज जो आज हर इंसान के पास है वो टाइम। टाइम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज पता क्या है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री उसके पास भी 24 घंटे मिलेंगे, चाहे इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान उसके पास भी 24 घंटे मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट फर्क क्या है, क्यों लोग गरीब के गरीब मर जाते हैं, गरीब पैदा होते तो गरीब ही मर जाते हैं, और क्यों लोग 24 घंटे के अंदर ऐसे ऐसी इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं, हद से भी ज्यादा है तो सभी के पास सेम। अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, पूरे ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं, राइट, 8 घंटे आप जॉब करके आपकी इनकम कितनी है, 10,000 रुपये। आपके घर पे इमरजेंसी आ गई, आपको 10 की जगह 20,000 की नीड है, क्या कोई ऑप्शन है? क्या कोई ऑप्शन है 10,000 की जगह आपको 20,000 मिलना स्टार्ट हो जाए, क्या कोई ऑप्शन है क्या? देखा जाए है या नहीं, बताओ आप बताओ, मैं तो बाद में बताऊंगा। ओके, नहीं है, नहीं है, है एक ऑप्शन, यदि वो इंप्लॉय अपने टाइम को डबल टाइम करना स्टार्ट कर दे, 8 घंटे में 10,000, यदि 16 घंटे काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको 20,000 रुपये मिल सकते हैं यदि डबल काम करना स्टार्ट करें। रियलिटी की नहीं बता दो, मानते ये बात? अब 16 घंटे काम कर उसको 20,000 रुपये मिल गया, और ज्यादा इमरजेंसी आ गई उसके घर पे, उसको 40,000 रुपये की नीड है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता, एक चीज बताना मेरा आपसे क्वेश्चन, आप सभी से एक चीज बताना, वो 16 की जगह 32 घंटे काम करके 20 की जगह 40,000 रुपये ले सकता है क्या? हाँ जी, ले सकता है? कभी नहीं, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ध्यान रखना कौन इंसान गरीब और कौन इंसान अमीर है, जो इंसान 24 घंटे सर्कल में काम करता है, 24 घंटे सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाता, वो इंसान पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। राइट, एंड जो पर्सन 24 घंटे सर्कल को ब्रेक डाउन कर देता है वो इंसान डेफिनेटली रिच होगा ही होगा। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट, अब आपको ये समझ में आ गई स्लाइड, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। किस किस को समझ आ गई चीज, पावर ऑफ डुप्लीकेशन किस किस को समझ आ चुकी है? एक ये रेड पर्सन था, इसने क्या किया, ये डॉक्टर, इसने जैसे अपने जैसे क्लिनिक ओपन किए और अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कर दिए, क्रिएट कर दिए, अपने जैसे डुप्लीकेट क्रिएट कर दी इसने। आप सोच के देखो, एक पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो 13 × 8 कितने घंटे काम हो गया, 104 घंटे। रेड पर्सन ने एक दिन में कितने घंटे काम कर लिया, 104 घंटे। मेरे को एक चीज बताना, एक जॉब वाला इंसान ना खाए ना पिए मेहनत करता रहे, एक दिन में मैक्सिमम 24 घंटे काम कर सकता है, बट इस इंसान ने 4 घंटे काम किया। रीजन क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आज मुकेश अंबानी के एक दिन की इनकम देखोगे ना करोड़ों रुपए है, एक दिन की इनकम करोड़ रुपए है, सोच के देखो। रीजन क्या है? उसका करोड़ों घंटे काम भी तो हो रहा है, रियलिटी की नहीं है। आपने क्या किया, ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है, आपने लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना कैसे पहुंच सकते हैं? 13% ने 2CC कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, आपके कितने फ्रेंड जो 1 लाख रुपए मंथली पैसा कमा रहे हैं, है कोई? कोई नहीं। कमाना कितने चाहते हैं? हर कोई कमाना चाहता है। अब मैं ज्यादा नहीं, 13% ने 2CC डन कर लिया, 13 × 2 = 26, बट 26 नहीं 75 CC पे सुपरवाइजर। कोई इंसान के ना माइंड में अभी चल गया होगा ना कि फलां शख्स को बताऊंगा, उसको बताऊंगा, ध्यान रख, उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है। ये नहीं गाड़ी खड़ी है मैंने बताई, ये स्टेयरिंग है, ये किल से, ये ब्रेक, ये रेस चलाओ, ऐसे नहीं चलाओगे तो कहीं ना कहीं बजेगी वो, फिर ठोकोगे। तो बिना नॉलेज कोई काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है मार खाओगे, ठीक है? तो पहले अपने सीखना अच्छे तरीके, पर्सनल ट्रेनिंग अगर आपको बताया जाता है आफ्टर 2CC, कैसे आपने यहाँ पे
अपनी मैन पावर क्रिएट करें, राइट। अब 13 में से सोच के देखो, कोई भी 3 पर्सन सुपरवाइजर बनते हैं, 13 × 25 कितना हो गया, 75 CC, कौन सा लेवल मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर। और इनकम कितनी हो जाती है, 50,000 प्लस, 50,000 प्लस हो जाती है। मेरा AM लेवल का पे आउट की बात करूं मैं, 80,000 रुपये थे, सोच के देखो, सुपरवाइजर लेवल पे 35,000 रुपये की मेरी अर्निंग थी। अब क्या ये सुपरवाइजर नहीं चाहेंगे मैं AM हिट करें, इन 3 सुपरवाइजर में से भी कोई 2 AM हिट करते, यानी असिस्टेंट मैनेजर, 2 × 75 कितना होगा, 150। बट 150 नहीं, 120 CC पे क्या मिलता है, मैनेजर। एक मैनेजर की इनकम कितनी होती है, 1 लाख रुपए। कितना टाइम लगता है, 5 से 6 मंथ। बाहर कितने साल एफर्ट करने पड़ते हैं, आप खुद सोच के देख लो, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। दोनों फील्ड के अंदर मेहनत है, ऐसी बात नहीं, जॉब के अंदर भी मेहनत है, बिजनेस के अंदर भी मेहनत है, बट फर्क कितना, जॉब के अंदर की मेहनत तब तक काम आती है जब तक आप काम कर रहे हैं, बट बिजनेस के अंदर की मेहनत आपको तो लाइफ चेंज करेगी, आने वाली जनरेशन की भी लाइफ चेंज कर देगी, राइट। आप अपने मैनेजर पे देखा, 1 लाख रुपए अर्निंग आती है ना, कैसे लाखों रुपए आते हो, चीज मैं आपको बताऊंगा मैनेजर के बाद। सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं आफ्टर मैनेजर, पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग पता किसको बोलते हैं, कि काम ना भी करें तब भी पैसा मिलेगा। अब क्या लगता है, जितने सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को सिर्फ अलग ढंग से करते, इतना फर्क है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जबरदस्त एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कितने शख्स जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से, ओके ग्रेट, बाकी शहर से, ओके। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने एक दूधिया देखा होगा, जानते हो दूधिया को, एक वीटा का मालिक देखा होगा, दोनों इंसान किस चीज पे डील करते हैं, दूध पे ही डील करते हैं ना, दूध बेचते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक चीज बताना, गांव के अंदर आप जो इंसान दूधिया होता है वो क्या करता है, सुबह आएगा शाम को आएगा, मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, स्ट्रगल करेगा दिन रात। आप देख रहे भाई, 2 साल भी पहले उसी बाइक पे था वो इंसान, आज भी उसी बाइक पे ही है। आप वीटा के बूथ पे जाते हैं, क्या वीटा के बूथ के अंदर वीटा का मालिक बैठा होता है क्या, बता दो, क्या आज तक किसी ने देखा हो वीटा के बूथ पे किसी मालिक बैठा देखा हो, नहीं देखा। अब उसने क्या किया, 2 दिन से 1 दिन के अंदर पैसा चाहिए, उसने क्या किया, अपनी खुद की मैन पावर क्रिएट कर दी। आज वीटा का मालिक फॉरेन कंट्री के अंदर भी बैठा ना, तब भी उसको पैसा आ रहा है, क्योंकि उसकी मैन पावर काम कर रही है। बट दूधी 1 दिन ना आए, काम चल जाएगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, रियलिटी नहीं है। कहने का मेरा मीनिंग, काम दोनों सेम चीज भी कर रहे हैं, बट फर्क क्या, एक कर रहा है हार्ड वर्क, एक कर रहा है स्मार्ट वर्क। वैसे ही बता दूं, जॉब के अंदर पे 40 साल अकेले काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्मार्ट वर्क, एक टीम के साथ अपने वर्क करना है, राइट। अब कैसे लाखों रुपए की अर्निंग तक पहुंचना, बहुत आसान है बिजनेस से। देखो देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो करोड़ों लगा के कुछ भी ना कमाओ, या बिना कुछ लगाए करोड़ों करोड़ों रुपए कमाओ। कैसे कमा सकते हैं, ये बिजनेस की स्ट्रेटजी सबसे अच्छी लगी मेरे को, कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। बाहर के बिजनेस के अंदर क्या होता है, कि 2 की दुकान जड़े तभी मेरी दुकान चले, एक यही स्ट्रेटजी अपनाई होती है, बट ये बिजनेस टोटली डिफरेंट है। आप किसी भी 2 पर्सन को उनके घर पे 1-1 लाख रुपए पहुंचाने तक आप हेल्प कर देते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। मैंने 3 लोगों की हेल्प की और मैं सीनियर मैनेजर, मेरी इनकम 2.5 से लेके 3 लाख प्लस है आज के दिन, मंथली श्योरिंग में 5 लोगों की हेल्प करनी, बस 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए तक पहुंचाने तक आपने हेल्प करनी है, आपकी इनकम 3.5 से लेके 5 लाख रुपए। अब विक्की मोर सर है, हरियाणा के सबसे पहले शोरिंग मैनेजर हैं, सफायर मैनेजर की बात करूं, 9 मैनेजर बिल्डअप करते डायमंड के अंदर, देख रहे हैं आप, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, बहुत कुछ है। मैंने ये कंसेप्ट दिखाया एक पर्सन को, कहता सर इसके अंदर पैसा ही बहुत है, क्या फेक फाक तो नहीं। मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई इंसान सोचता ना मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, ये कर दूं वो कर दूं, उनके लिए ये चीज नहीं है। मेहनत लगेगी दबा के, मेहनत करनी है और मेहनत से ही पैसा आएगा, ध्यान रखना। कैसे काम कर थोड़ा बता देता हूं, 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग, ध्यान समझना फर्क किस चीज का होता है। डायरेक्ट सेलिंग अंदर कैसे होता है, जैसे कि ड्यू की बोतल है, आप पीते ड्यू, पीते माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, सुना होगा आपने। और एक चीज बताना चाहूंगा, धीरे धीरे ना ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो जाएंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस को बोलते हैं, जैसे आप मार्केट अंदर शॉप होती है, खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। रीजन क्या है, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आप सोच के देखो, आज आप घर बैठे स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, फोन से ये अमेजोन है,
कोई भी चीज चाहिए फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, रियलिटी की नहीं है, टाइम अपडेशन का है, बदलाव का है, जो अपने आपको चेंज करते हैं वही आज दुनिया पर राज करते, चेंज नहीं करते वहीं के वहीं रह जाते हैं। ट्रेडिशनल विजन थोड़ा समझाते हैं कि इस मॉडल पे काम करते हैं। जैसे किसी ने माउंटेन ड्यू की मैन्युफैक्चरिंग की, अब उस इंसान ने मैन्युफैक्चरिंग की तो लाखों करोड़ रुपए लगाए उसने मैन्युफैक्चर करने पे, लगाई नहीं लगाए, जो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो ड्यू की एक्चुअल कॉस्ट अपने पास पड़ती है कस्टमर को 80 रुपए की पड़ती है, 80 या 90 रुपए की, बट एक्चुअल में जो रियल कॉस्ट होती है उसकी वो 7 से 8 रुपए होती है, बट वो बीच का पैसा जाता कहाँ पे है? उस इंसान ने करोड़ रुपए लगाने के बाद वो फ्री नहीं बैठा, उसने क्या किया, एड दी, ऋतिक रोशन को बुलाया। आपने देखा बड़े बड़े एक्टर्स करोड़ रुपए लेते हैं कुछ सेकंड के ही, इसलिए लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के, रीजन क्योंकि इंडिया बेले देशों वाला ही है, बेले लोग कहाँ पे मिलेंगे, टीवी देखते मिलेंगे, टीवी में देखते हैं भाई हाँ ट्रक के आगे जीत है, बच्चे डिमांड करते पापा हमें माउंटेन ड्यू चाहिए, बोलते नहीं बोलते, उसके बाद वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट, फिर रीजनल, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर आता कस्टमर, यानी कष्टों में मरने वाला। अभी बीच का पैसा गया किसके पास, ये 90 रुपए गए किसके पास, ये बीच के खा गए, फोर आने बिचौले को सभी को उठा दिया। कई इंसान बोलते हैं सर इतना बड़ा ब्रांड है तो आज तक ऐड क्यों नहीं देखी, ब्रांड कभी ऐड नहीं आते यार, ने ऑडी जगह कभी नहीं मिलेगी, मारुति सुजुकी की मिल जाएगी, राइट? सो बता रहा हूँ बहुत सारे इंसेंटिव ऐड हो जाते हैं आफ्टर मैनेजर, लीडरशिप बोनस मिलता है, ठीक है, एक एक मैनेजर आपका एक एक बिजनेस है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, क्या लगता है सभी एक ही बिजनेस पे काम करते हैं, उनके 36 ही बिजनेस चलते हैं, उनको ये पता भाई 5 बिजनेस डाउन हो भी गए तो बाकी क्या करने से रिकवर कर लेंगे, राइट? ये जैम बोनस है, जब आप मैनेजर जो लैग होते हैं आपको उनसे अलग अलग परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे जाने के बाद एक्टिव होता है। सो आगे मैं बात करूँ, बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, इंटरनेशनल टूर मिलता है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे अपने करना होता है, राइट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद अपने को मिलता है कार प्लान, जिसके अंदर मैं सच बताता हूँ, मैंने एमएससी की डिग्री करने के बाद मैंने यहाँ इस इंसेंटिव के अंदर कार प्लान एक्टिवेट किया, जिसके अंदर आज मेरे को 26,000 रुपये अपनी इनकम से अलग मिल रहे। यदि आज मेरे को 3 लाख का पे आउट है तो 3,26,000 रुपये मिलेंगे, कितने मजे की बात है। और सबसे बड़ा मेरे लिए जो खुशी की बात थी वो क्या थी, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब मैंने इस इंसेंटिव से क्वालिफाई किया, एक ऐसा इंसेंटिव, और वो भी सबसे यंगेस्ट एज के अंदर, राइट? देखना चाहेंगे आप? ओके, उसके लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत करने की रेडी हैं? हाँ जी, मेहनत करने के लिए क्या आप रेडी हैं? जब मैंने कार प्लान एक्टिवेट किया, यहाँ से मैंने अपनी खूबसूरत जो मेरी ड्रीम कार थी वो मैंने यहाँ से बाय की, और कैसा मोमेंट था कि मैं आपको सभी को दिखाना चाहूंगा, राइट? जानता कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं जानता सर को, कौन कौन नहीं जानता, ये नहीं पता था इतना बड़ा फायदे के लिए आ रहे। आज आप सभी को कैसा लगने लग रहा है? देखो कितने स्टूडेंट ने की गाड़ी अमन जी के घर आई है, क्योंकि फ्यूचर आप सभी का सेम है, काफी सारे पार्टनर काफी टाइम का वेट कर रहे होंगे, और बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले पेशेंस। देता हूँ आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आने वाले इसी साल 2022 के एंड तक सेम अपने घर पे भी एक ऐसी ब्यूटीफुल टॉय लेके आ रहे होंगे। आप 4R की पावर से ही ना सर मीन को पर एंजॉय कर रहे हैं, आप सोच के देखो। पूरा इशारा आ रखा तो एक बार क्लैपिंग कर दो जोर से। अमन एक चीज बता, पैसा दोबारा सर क्या अभी टाइम वापस आ सकता कभी भी? सिंगल एक मिनट पर आपा पूरी दुनिया की दौलत एक साइड इकट्ठी कर ले और अपनी लाइफ की एक सेकंड वापस नहीं मिल सकती कि पैसा दोबारा आ सकता, बट टाइम कभी वापस है? ये बात मैंने पता क्यों बोली, सबसे बड़ी चीज बताऊंगी इसके पिछले दिन बहुत है। जब मेरी मास्टर डिग्री चल रही थी तो मेरे फादर ने एक बात बोली थी कि कोई ना बेटा एक बार तेरी फीस सबमिट कर रखी 2-3 लाख रुपए, कोई ना एक बार एमएससी कर ली थी तो कभी कर लेना। तो तब सर ने एक बात बोली थी कि अमन पैसा तो मुड़ के आ सकता है बट टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता। वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ना बहुत सारे लीडर हैं,
और बहुत सारी ऑडियंस एक बार ये सोचते हैं ये तो कभी कर ले, है ना, कभी कर ले, एक बार ये कर लेते हैं, रियलिटी नहीं है। काम वही करो जो आपके टारगेट, जो आपकी लाइफ को चेंज करें। चलो जब तक रस्ते नहीं, जो आप कर रहे थे आज तो रस्ते हैं, और वो रस्ते जो अप्रूवन है, जहां से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, रियलिटी की नहीं है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैनेजर से पहले, मेरा एक ही टारगेट था मैनेजर बनूं, मैनेजर से पहले मैंने कोई सॉन्ग नहीं सुना, कोई फेस्टिवल इंजॉय नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस ये था मैनेजर दिख रहा था। और जो मैनेजर बना तो सबसे जो फेवरेट सॉन्ग था मैंने वो लगवाया था, पूरे ध्यान समझना, सुनना आपने, बहुत मजा आएगा। तो मैंने ना टाइम ग्रेट अप्लाई ने मिस्टर मंदिर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करने उसे जबरदस्त क्लैपिंग सीनियर्स के लिए। जब मैंने AS अपना डन किया था ना, तो सपना एक ही था कि मैनेजर बनना है। और इस गाने के अंदर बोला गया है कि हार मान लेंदे कोई होर होणगे, असी अख जिथे रखियो मैदान जीत लई। एक बार जो इंसान सोच लेता ना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि पलट पलट के देखने वाला कभी इतिहास नहीं रचता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जब तक देखो रस्ते नहीं थे, भटके हुए इंसान थे, तो आज तो रस्ता, और वो रास्ता जो अप्रूवन है, ठीक है। क्योंकि एक तो नेम देते घर वाले देते, दूसरा नेम की पहचान अपने दम पे बनानी पड़ती है। और एक नेम की पहचान बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता ना वो एक राइट प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट करता है। वरना मेहनत तो इंसान आज भी कर रहे हैं, बाहर भी मेहनत कर रहे हैं, मजदूर इंसान भी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी भी कर लेते तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां से इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 4 साल में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। बाकी जिनको मैं बताना चाहूंगा, जो 2CC जो इनको प्लान मिला हुआ है, जल्दी अपने लेवल को क्वालिफाई करें और हाई लेवल की ट्रेनिंग का पार्ट बने, ठीक है। और बाकी अच्छे तरीके से मेहनत करें डायमंड, बाकी इसी तरीके से मैं मिलता रहूंगा। बाकी कैसा लगा आज का सेशन आपने जरूर मेरे इंस्टाग्राम पर ID पे टैग करके बताना है, AmanGill23, राइट। अगेन बताना चाहूंगा, AmanGill23 आपने जरूर बताना मेंशन करके। बाकी थैंक यू सो मच बोलना अपने अपलाइन का, मैम का, सर का, जहां से भी आज के सेशन का लिंक मिला है, ठीक है। काफी कुछ आपने सीखा होगा, आई होप सो। बाकी मिलता है नेक्स्ट टाइम एक नवी नॉलेज साथ, ओके। तब तक ओके, डू योर